अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान मुबारक। मारिया के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे अफ्तार में बच्चों और बड़ों की पसंदीदा क्रीमी फ्रूट चाट। तो आइए मिलकर बनाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सेब एक कप, माल्टा एक कप, खरबूजा एक कप, केला एक कप, स्ट्रॉबेरी आधा कप, पाइनएप्पल एक कप, कटे हुए खजूर आधा कप, चेरी आधा कप, बादाम और किशमिश हस्ब ज़रूरत, मेयोनीज़ एक कप, मिल्क क्रीम एक कप, पिसी हुई चीनी हस्ब ज़रूरत, काला नमक आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च एक चाय का चम्मच। एक बाउल में एक कप मेयोनीज़ और एक कप मिल्क क्रीम ऐड करें। आप कोई भी टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई चीनी हस्ब ज़रूरत ऐड करें। मैं यहाँ दो खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक हस्ब ज़रूरत, काला नमक आधा चाय का चम्मच ऐड करें। चाट मसाला एक चाय का चम्मच ऐड करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्रीमी फ्रूट चाट न सिर्फ झटपट बनने वाली रेसिपी है बल्कि खाने में तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी भी है। एक कप कटा हुआ खरबूजा, एक कप बारीक कटा हुआ सेब चेरी, एक कप कटा हुआ केला, स्ट्रॉबेरी आधा कप जिनको मैंने फ्रीज कर लिया था, माल्टा एक कप जिसको मैंने छोटे स्लाइस में कट कर लिया था, कटे हुए खजूर आधा कप, पाइनएप्पल एक कप, कटे हुए बादाम और किशमिश हस्ब ज़रूरत ऐड करें। आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ले सकते हैं। तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्रीमी फ्रूट चाट तैयार है। डिश आउट करके एक से डेढ़ घंटा फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। क्रीमी फ्रूट चाट सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।